महावन तहसील के अंतर्गत आने वाले बल्दे ब्लॉक में सुबह से ही पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वैदिक है, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बल्दे का अध्यक्ष हूँ। इस तरह का आप ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या संदर्भ है इसका? इसका संदर्भ ये है, कल शाम को जो हमारे सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, उसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं। उसको करारा जवाब देने के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं, हमारा पूरा भारत एक साथ है और इसका करारा जवाब एक ऐसा देगा कि हम 44 शहीद हुए हमारे सैनिक, उसके बदले हम 3 गुना 112 लेके आएंगे। इसी के विरोध दर्शाते हुए हमारे पूरे बलदेव क्षेत्र के युवाओं द्वारा अपनी शक्ति दर्शाई गई है। इसमें कोई पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया, इसमें कोई पार्टी को नहीं दर्शाया गया, इसमें ये दिखाया गया है हम भारतवासी सब एक हैं। भारत माता की जय, 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 एसएस डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिन में कैंडल मार्च के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद और सरहद पर शहीद हुए सैनिकों की जय जयकार के साथ शहीद भगत सिंह संगठन के युवा कार्यकर्ताओं ने भी अवैरनी चौराहे से कैंडल मार्च शुरू कर पूरे बलदेव कस्बे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला बनाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और शहीद हुए सैनिकों की जय जयकार के गगनभेदी नारे लगाए। बताइए सर, आपके विद्यालय में आज ये कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा है, किस उपलक्ष्य में रखा गया? कल पाकिस्तान के कायरतापूर्ण कृत्य ने संपूर्ण देश को झकझोरा है, राष्ट्र की आत्मा पर चोट की है और इतना विवश जो हमला उसने किया है जिसमें हमारे देश के 44 राष्ट्र नायक मारे गए हैं जी। हम पूरे देश के साथ खड़े हैं और हम हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि संपूर्ण देश इस कार्य में आगे आए और राष्ट्र के नायकों का पूर्ण सम्मान करे और आगे भी होता रहे और पाकिस्तान से हर हाल में अपने जवानों का बदला लिया जाए शीघ्र अतिशीघ्र। युवाओं का जोश बढ़ाए रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक बात चल रही है, क्या आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक तो समय समय पर सरकार के द्वारा होती रहनी चाहिए जी। लेकिन पता नहीं कि सरकार जो है तभी चेतना में आती है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि सरकार निरंतर इस तरह के कार्य करती रहे जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाया जा सके और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को हतोत्साहित किया जा सके। वहीं खंड विकास कार्यालय पर भी विकास अधिकारी श्वेतंग कुमार और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर और समस्त पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर देश की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं खंड विकास अधिकारी श्वेतंग कुमार ने कहा कि इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। बताइए सर, कल सीमा पर 44 जवान हमारे देश के शहीद हुए, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही घृणित और कायराना कार्य है कि आतंकवाद तो हमेशा देश के लिए है, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक समस्या है और इसकी जितनी भी भर्सना की जाए कम है। इस परिप्रेक्ष्य में आज विकासखंड स्तर पर 2 मिनट का मौन धारण करके विकासखंड परिवार की ओर से श्रद्धांजलि भी दी गई है और इसकी निंदा की जाती है, यही किया जाता है। सरकार से अपेक्षा है कि सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे ऐसे आतंकवादी घटनाएं न हो, इसका जरूर सरकार द्वारा संज्ञान लिया जाएगा, सरकार द्वारा ऐसा प्रयास किया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।